मैडम, ये ललित यादव अब तक तो हवा हो गया होगा पुलिस। हो सकता है। नवीन सर इसके जोधपुर वाले एड्रेस पे पहुंच रहे हैं, लेकिन तू अपने सारे लड़कों को काम पे लगा दे गुरु। अगर ये पुणे से बाहर गया भी होगा तो कहीं ना कहीं से इसका फुटप्रिंट तो मिलेगा ही मिलेगा। सर ये वाला सुनिए, ये आदमी ललित यादव ही है ना? जी साहब। ये उसके घर पे ताला लगा है? हाँ साहब, पिछले 3 साल से ताला है। साल में एक आध बार वो आता है यहाँ, सुना है कहीं बाहर काम करता है। इसकी पत्नी कुछ ऐसे दिखती थी? पत्नी? जहाँ तक मुझे पता है उसकी शादी नहीं हुई है। क्या ये कोई और रिश्तेदार हो सकती है ललित की? उसके माँ बाप तो बहुत साल पहले गुजर गए, और कोई रिश्तेदार है तो मुझे नहीं मालूम। कोई है जिसे पता हो? ललित को पुणे में देखा गया इस औरत के साथ, और इस औरत का मर्डर हो गया 8 महीने पेट से थी। मुझे नहीं पता। वैसे मैंने आपको बताया ललित यहाँ पे साल में एक आध बार ही आता था, और वो अपने आप में ही रहता था, कभी किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। जब वो यहाँ रहता था तो क्या काम करता था? पक्का नहीं पता साहब, लेकिन इतना पता है तब वो बिल्डिंग लाइन में काम करता था। मोहल्ले में किसी और को कुछ पता है कि ललित यादव इस समय कहाँ हो सकता है? नहीं। 6-7 पड़ोसियों से पूछताछ की, सबका यही कहना है कि वो यहाँ जोधपुर में कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता था। हाँ, हमने भी वही गैस किया था। सबका कहना है कि वो जब लास्ट टाइम यहाँ जोधपुर में आया था तो सबसे ये कह रहा था कि वो पुणे में काम करता है। सर, पुणे को और खंगालना चाहिए। तो किसी के पास कोई नंबर उसका? नहीं। विक्टिम के फोटो पे कोई रिएक्शन? नहीं। किसी को उसकी निजी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं मालूम, और सबका कहना है उसकी शादी भी नहीं हुई थी। अब पुणे में ललित यादव की हमारी खोज और गहरी हो गई। पुणे के हर कंस्ट्रक्शन साइट को हमने अपने रेडार में ले लिया, इस उम्मीद से कि ललित यादव शिफ्ट भले हुआ हो वो शायद अब भी पुणे में ही होगा। हमारी कोशिशें नाकाम नहीं रही, हमें ललित यादव मिल गया। बिल्कुल पुणे में ही है सर, ये बीबी कंस्ट्रक्शन साइट है ना कोट रोड में, उसका सुपरवाइजर है। ललित यादव वहां पर है। काम के लिए रोते रहोगे, जब काम मिल जाएगा तो फिर काम नहीं करोगे, ठीक है? ललित यादव जी, आप लोग कौन? पुलिस। लेकिन मैंने क्या किया है? मैं इस औरत को नहीं जानता साहब। मर्डर किया और जानता नहीं? मैंने किसी को नहीं मारा। मारा और मारने के बाद टुकड़े भी किए। क्या बात कर रही है मैडम, मैंने नहीं मारा किसी को। देख ललित, 12 दिन लगे हैं तुझ तक पहुंचने में, तो मेरी पेशेंस को और आजमा मत। देखिए, इस मर्डर केस के बारे में सबको पता है, सब जानते हैं, अखबार में आया। आप मुझे क्यों इस मर्डर केस से जोड़ रहे हैं सब? मैं किसी औरत को नहीं जानता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। तलाशी लेंगे हम, पूरी तलाशी लेंगे, पूरी तहकीकात भी करेंगे, और हमारे सुराग तक पहुंचने का तो इंतजार कर मत, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। ललित लगभग 2 साल से हमारे पास काम कर रहा है, लेकिन मैंने कभी उसके साथ किसी औरत को नहीं देखा, ना ही कभी उसके बारे में सुना। हाँ, अगर उसका किसी से कुछ प्राइवेट हो तो वो बात अलग है सर। हमें लगता है लाश काटने के लिए पत्थर काटने वाली इलेक्ट्रिक मशीन का इस्तेमाल किया गया है। सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि ललित स्टोन काटने वाली मशीन लेकर घर गया हो तो ये लगभग नामुमकिन है। क्यों? मशीन यहाँ से ले जाने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, दिक्कत तो नहीं है, कोई भी आराम से ले जा सकता है, लेकिन वो आदमी ललित हो सकता है, मैं ये नहीं मान सकता। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वो बाइक मैकेनिक से खरीदी मई में, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ इसके लिए। हाँ भाई, तैयार है? हाँ भाई जी, यही है आपकी बाइक। बस छुटपुट ऊपर का काम है, वैसे गाड़ी एकदम फिटफाट है, फिर भी कुछ हुआ तो मैं हूं ना। ए मनोज, चाबी देना। पर वो बाइक घाटे का सौदा निकला, बहुत खर्चा निकल रहा था, फिर मैंने साइड पे बात फैला दी कि मैं बाइक बेचना चाहता हूँ। किसको बेची? मोहन को, साइड पे ही सिक्योरिटी वाला है, उसका पूरा नाम शायद मोहन त्रिवेदी है। देख मोहन, झूठ नहीं बोलूंगा तेरे को, इसमें काफी काम कराना पड़ेगा,
मैकेनिक ने मुझे झूठ बोला था, मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ। अब इसके बाद भी तुझे लगता है तो तू देख ले। हम अच्छे मैकेनिक से बनवा लेंगे ललित भाई। वैसे भी बस का किराया कुछ कम नहीं है आजकल, ऊपर से ट्रैफिक, लेट होना वो अलग। देखिए ललित भाई, कोई ढंग का दाम बोलिए जिससे कि बात बने। मैंने 15 में बेची मोहन को, और ये तस्वीर में जो लग रहा है ये मोहन ही है, मैं तो नहीं हूँ। सच्ची बता रहा हूँ साहब, जून से मोहन ही बाइक चला रहा है। मोहन त्रिवेदी, सिक्योरिटी गार्ड, एक मिनट। मोहन त्रिवेदी जी सर। मोहन त्रिवेदी नहीं सर, मेरा नाम राजू है सर। सर मुझे लगता है कि मोहन ने नौकरी छोड़ दी। लगता है मतलब? माने कि कई दिनों से ड्यूटी पर नहीं आया और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ललित यादव का कहना है कि उसने अपनी बाइक सिक्योरिटी गार्ड मोहन त्रिवेदी को बेच दी थी। इस बारे में मुझे नहीं पता है सर, हो सकता है उन दोनों में कोई डील हुई हो। मोहन तो आए नहीं 12 सितंबर से ड्यूटी पे। सब मैंने ही सीनियर सुपरवाइजर जगदीश को बोला कि कोई और गार्ड देख ले। सब मोहन फोन नहीं उठा रहा था। सब यकीन करो मेरा, ये बाइक पे मोहन ही है, मैं नहीं हूं। और ये जो औरत पीछे बैठी है बाइक पे, ये कौन है? और वो प्रेग्नेंट औरत जिसको टुकड़े करके फेंक दिया गया, वो कौन थी? मुझे नहीं पता साहब, और मुझे ये भी नहीं पता कि मोहन ने ऐसा क्यों किया। सीधा आदमी है। हाँ तो इसका मतलब तूने किया ना गार्ड, और सारा जिम्मा मोहन पे डाल रहा है। कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं क्यों करूंगा? मैंने नहीं किया साहब, अकेले रहता हूँ। आप चाहो तो मेरे घर जाके तलाशी ले लो, पूछ लो, पता कर लो, अकेले कमाने खाने वाला हूँ सब, मैं क्यों करूंगा ऐसा? सर सिक्योरिटी एजेंसी से मोहन त्रिवेदी का एड्रेस मिला है, वहीं जा रहा हूँ। 12 सितंबर से गायब है, मुझे नहीं लगता वहां मिलेगा, फिर भी देख लो। सर सर मोहन त्रिवेदी के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं टॉप प्रायोरिटी पे, लेकिन सर इस बीच हम इस ललित को कहीं नहीं जाने देते, पता चले हवा हो गया। सर अभी हम इस केस में बाइक खरीदने और बेचने वाले के बीच में फंसे हुए हैं, केस के असली मुद्दे तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। बड़ी अजीब बात है गीता, शहर से एक भी आदमी सामने नहीं आया विक्टिम को पहचानने के लिए। इस औरत का दूसरा कोई था ही नहीं क्या? क्या वो पुणे के बाहर की थी? पता करो ये खुली मोहन की थी या फिर किराए पर रहता था। आठ महीने पहले? जी सर, फरवरी 2017 में ही मोहन त्रिवेदी ने खोली खाली कर दी थी। अभी कहाँ है? वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एग्रीमेंट में उसके गांव का एड्रेस है। वैसे ताहिरगंज कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ताहिरगंज। तुरंत निकलता हूँ टीम लेकर, वहां छुपा हुआ तो उठा लेता हूँ। सर मोहन त्रिवेदी के मौजूदा पुणे वाले एड्रेस के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। ललित यादव सीनियर सुपरवाइजर जगदीश फुले और सिक्योरिटी एजेंसी सबसे बात की। कॉल रिकॉर्ड आते आते 2 दिन का टाइम लग जाए, तब तक ताहिरगंज स्कैन करते हैं। वो नहीं मिला तो उसकी फैमिली मिलेगी, कोई तो ऐसा मिलेगा जो उसे जानता हो, कुछ तो हाथ लगेगा। ठीक है नवीन, तुम निकलो, मैं हेडक्वार्टर्स में बोलकर यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करवा देता हूँ। गीता फोन कंपनी पर प्रेशर डालो, मोहन त्रिवेदी के कॉल रिकॉर्ड्स जल्द से जल्द मिलने चाहिए। ये खोज अब हमें उत्तर प्रदेश ले गई, इस उम्मीद में कि ताहिरगंज में हमें मोहन त्रिवेदी मिल जाए या उसके बारे में कोई जानकारी मिले जो हमें उस तक ले जाए और इस केस को क्लोज करे। पंडित जी, इस गांव के सरपंच से बात करवाइए, शायद वहां से कुछ हासिल हो। जी हमें यहां से मोहन के परिवार के बारे में एक जानकारी मिलने वाली थी, ये जानकारी जुर्म से जुड़ी थी या नहीं ये अभी हमें पता नहीं था। मोहन तो 2 साल पहले ही चला गया था पुणे काम करने के लिए। और उसके माँ बाप? माँ बाप तो यही कोई 7-8 महीने पहले चले गए यहाँ से। हम सबको लगा कि पुणे ही गए होंगे मोहन के पास। सरपंच जी, हम इस केस पे 2 हफ्तों से लगे हुए और अब जाके मोहन की लीड मिली। लीड भी क्या मिली है, बस उसका नाम और पता मिला। ये देखिए, इनमें से किसी को पहचानते हैं आप? इसमें से कोई क्या पहचान पाएगा साहब? देखिए सरपंच जी, हम काफी दूर से आए, एक बार गौर से देखिए प्लीज, हो सकता है आप कुछ बता सकें। मुश्किल है, लेकिन हम आपको एक बात बता दें इस मोहन के माँ बाप के बारे में। एड्रेस है उनका, नंबर है? ना दोनों नहीं है, लेकिन एक बात है, देखिए शायद आपके काम की हो,
बोलिए। एक आदमी था, कमल पाठक नाम था उसका। उसका इनके घर पर काफी आना जाना लगा रहता। राम राम काका। राम राम। सर ये बात किसी से छुपी नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। ये कमल रहता कहाँ? कमल अपने ताहिरगंज का नहीं था। वो लोग जब 7-8 महीने पहले यहाँ से गए तो फिर वो कभी दिखाई नहीं दिया। इस कमल को कोई तो जानता होगा। विद्या लाई थी उसे यहाँ। कौन विद्या? मऊ जिले में धेमू नाम का एक गाँव है जहाँ इस विद्या का अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो अपने पति और बच्चों को छोड़कर वो इस कमल पाठक के साथ अपने ताहिरगंज में ही बस गई। एक मिनट, ये विद्या तो इसी गांव की थी ना? हाँ बिल्कुल, दो गली छोड़कर ही उसका मायका है। लेकिन काफी दिनों से देखे नहीं है हम उसको। महाराष्ट्र पुलिस। विद्या वर्मा यहीं रहती? जी साहब, हम विद्या के पिता हैं। क्या बात है साहब? विद्या कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। कमल पाठक के साथ है। बात क्या है वो तो बताइए। हम मोहन त्रिवेदी को ढूंढ रहे हैं। तो साहब उसका हमारी बिटिया से क्या ताल्लुक? आपको नहीं पता? पूरा गांव जानता है। आपकी बेटी विद्या इस कमल को लेकर यहाँ पे आई थी और कमल का मोहन के घर पे आना जाना शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ ये आप लोग भी जानते। अब हम मोहन के माँ बाप को ढूंढ रहे हैं जिससे कि हम मोहन को ढूंढ सकें। उसके लिए हमें विद्या को ढूंढना है। वो कई दिनों से यहाँ नहीं आई और उसे पैसे भी नहीं भेजे। खुद के पति और बच्चों को छोड़कर उस कमल के साथ यहाँ चली आई और कमल भी अपने परिवार को छोड़कर यहाँ चला आया। तो मोटी मोटी बात यह है कि विद्या कमल के साथ चली गई। हाँ चली गई। पता नहीं ऐसा क्या घुस गया हमारी बिटिया के दिमाग में। क्या कर बैठी, अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। साहब देवू गांव में जाकर कमल के बारे में पूछिए। वैसे साहब आप मोहन को क्यों खोज रहे? दरअसल वो एक केस में शामिल है। सर वो केस क्या जाने दीजिए। आप लोगों के पास विद्या का नंबर है या वो भी नहीं है? हाँ है। अब रुकिए। इस केस की जड़ यहाँ विद्या के घर में ही थी। घूम फिर कर हमें यहीं आना था। भेमू गांव मऊ जिला। जी सर। लग जाए इस कमल पाठक के पीछे, क्या पता मोहन तक कोई लीड मिल जाए। ठीक है हो आओ भेमू, शाम तक मोहन के कॉल रिकॉर्ड हाथ में आने चाहिए। हो सकता है उससे पहले मोहन ही हाथ में आ जाए। जिला मऊ के धेमू गांव से हमें आशा थी कि कमल पाठक पर कोई लीड मिलेगी और वो हमें मोहन त्रिवेदी और उसके परिवार तक पहुंचाएगी। अब हम पूरी तरह मान चुके थे कि इस भयंकर हत्याकांड केस की चाबी केवल मोहन त्रिवेदी के हाथ में थी। देखिए कमल हमारे बस नाम के पति हैं, एक अरसे से वो हमारे साथ नहीं रहते। इस वक्त कहाँ मिले हो? ये तो उससे ही पूछिए जिसके साथ हैं, विद्या वर्मा। सारा गाँव जानता है उन दोनों के बारे में। 2 साल हो गए हैं हमने शक्ल नहीं देखी है उनकी। सौरत के कारण हमें और हमारे बच्चे को छोड़ के चला गया है वो। इन 2 सालों में कभी फोन पे बात बात हुई होगी? क्यों फोन आएगा और हम क्यों बात करेंगे? मोहन त्रिवेदी को जानती हैं? ये कौन है? छोड़िए, विद्या वर्मा का पति कहाँ मिलेगा? संतोष भैया। हाँ उना से पुलिस है ये। पुलिस? आपको क्या लगता है कि हम अपनी बच्चलन पत्नी के यार की खबर रखेंगे और अगर उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताएंगे तो हमें जेल में डाल दीजिएगा? इस वक्त हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है संतोष। बाहर में जाएं आप और आपकी तहकीकात। मर गई है विद्या हमारे लिए और वो कमल कुत्ता अगर आपके हाथ में लगे ना साहब टुकड़े टुकड़े कर दीजिए उसके। विद्या कमल के साथ क्यों भागी थी? ये तो आपने सुना ही होगा कि हम हाथ उठा देते थे उस पर। तो क्या करते साहब, 3-3 बच्चों की माँ और पराए मर्दों की ऐसी भद्दी प्यास। मोहन त्रिवेदी को जानते हो? उसके माँ बाप रोहिणी और राजेंद्र त्रिवेदी। इनके बारे में हम कुछ नहीं जानते ना हमने कुछ सुना इनके बारे में। और साहब सच तो ये है कि हमारे पास अब किसी के बारे में जानने और समझने के लिए समय नहीं है। 2 बेटियां हमारी जिन्हें पालना है, बड़ा करना है, उनकी शादी करनी है हमको। और साहब हमारा ना एक बेटा भी है लेकिन वह विद्या उसे कहाँ ले गई हम कुछ नहीं जानते। प्रणाम।
अगले दिन हमें मोहन त्रिवेदी के फोन रिकॉर्ड्स मिले, जिससे हाल ही में किए गए कॉल्स की जानकारी मिली। हेलो, कौन बोल रही हैं आप? फोन आप किए हैं, आप कौन बोल रही हैं? मोहन त्रिवेदी को कैसे जानती हैं? बेटा है हमारा। आप इस वक्त कहाँ हैं? जी हम घर पे हैं। आप कौन बोल रहे हैं लेकिन? और मोहन? मोहन गांव गया होगा, बता कर नहीं गया, लेकिन आप बताइए तो सही, बोल कौन रही हैं आप? रोहिणी त्रिवेदी का घर यही है जी? आप रोहिणी? रोहिणी? हाँ जी। बात क्या है जी? आपका बेटा मोहन कहाँ है जी? हम आपको फोन पर बताए थे ना, हमको नहीं पता है। आप लोग क्या जानना क्या चाहते हैं? आप कौन है? हम मोहन के पिता हैं। आप राजेंद्र हैं? हाँ हम ही हैं। ये बाइक पे मोहन के साथ औरत कौन है? हमको नहीं पता। ये बच्चा कौन है? हमारा बेटा है ये। ये भी? ये भी मतलब? और ये कौन है? हमको नहीं पता। मोहन की बाइक कहाँ है? अपने साथ में लेके गया है वो? हमको नहीं पता है वो, हम तो गांव में रहते थे, 8 महीने पहले ही आए हैं मोहन के साथ रहने के लिए। और कमल पाठक भी गांव में था। और विद्या वर्मा भी? विद्या वर्मा कहाँ है? अरे विद्या वर्मा हमारी मम्मी का नाम है, वो हमें बिना बताए चली गई। विद्या वर्मा आपकी मम्मी है? हाँ। राजेंद्र जी, रोहिणी, क्या कह रहा बच्चा? मतलब हमारे बच्चे जैसा ही है। हाँ, विद्या वर्मा का बच्चा आपके बच्चे जैसा है। तो विद्या वर्मा कहाँ है? वो यहीं पे थी, कमल के साथ कहीं चली गई। तो कमल कब गया ये तो पता ही होगा, साथ में यहीं रह रहा था ना? हाँ, दोनों यहीं रह रहे थे, विद्या भी यहीं रह रही थी, लेकिन फिर दोनों चले गए बिना बताए। अब बच्चा तो रोज पूछता है माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। उसके गांव में भी किसी को नहीं पता है कि कहाँ है, अब हम बताएं तो क्या बताएं, इसीलिए आप लोगों को भी कह दिए कि हमारा ही बेटा है। राजेंद्र जी चलिए हमारे साथ। लेकिन कहाँ? थाने, वहाँ चल के आराम से बात करेंगे। आप जो जो जानना चाहते थे हमने तो सब बता दिया, अब किस लिए? पूरे घर की तलाशी लो। इलेक्ट्रिक कटर मशीन है, सील कर दो इसे। सर। हाँ काले, कुछ मिला? यहां ट्रंक मिला है, इसमें खून में लथपथ कपड़े हैं। काले, कुछ मिला? यहां ट्रंक मिला है, इसमें खून में लथपथ कपड़े हैं। जी सही बात है, विद्या 6 महीने पेट से थी,
जब वो यहाँ ताहिरगंज से चली गई थी। आपने पहले क्यों नहीं बताया? एक तो आपने पूछा नहीं, और दूसरी बात, हम किस मुंह से विद्या से पूछते हैं, और वो जानती थी भी या नहीं हमें नहीं मालूम कि उसके होने वाले बच्चे का बाप कौन था। वैसे साहब, हमारा नाती राहुल कैसा है? ठीक नहीं है शंभू जी, काफी सहमा हुआ है। हम उससे बात करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था। जुर्म के लगभग 2 हफ्तों बाद हम पीड़ित महिला की पहचान कर पाए थे। ये विद्या वर्मा थी, पर इसका कत्ल क्यों हुआ था ये अब पता करना बाकी था। एक तो आप जबरदस्ती मेरे घर से मुझे उठाकर यहाँ ले आए, इतनी देर से बैठाकर रखा है, और वही वही सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब मुझे पता ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगी? इस तरह से सवाल पूछने से मैं सारे इल्जाम कबूल कर लूंगी? रोहिणी, हम तुम्हें डरा नहीं रहे हैं, तुम जवाब नहीं दे रही हो। हम उस इलेक्ट्रिक कटर मशीन और खून से लथपथ कपड़ों के बारे में पूछ रहे हैं जो तुम्हारे घर से बरामद हुए हैं। विद्या वर्मा का कत्ल तुम्हारे घर में हुआ है। आपको मोहन और कमल पाठक के बारे में जानना था ना, तो सुनिए। वो दोनों एक दिन बिना बताए कहीं चले गए, ठीक वैसे ही जैसे विद्या बिना बताए चली गई थी। और वो चीजें हमारे घर में कैसे आई ये तो कमल और मोहन ही जाने। आप हमारा दिमाग काहे खा रहे हैं? क्योंकि राजेंद्र जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कमल या मोहन या दोनों ने आपके घर में विद्या की हत्या की, औजार और कपड़े छुपाए, और आपको और आपके पत्नियों को कुछ भी पता नहीं चला। गलत, हमारे घर के अंदर कुछ नहीं हुआ इसलिए हमें पता नहीं चला। रोहिणी सच में आपकी पत्नी है? हाँ सच में पत्नी है। आप नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, वहां से ऐसी कोई आवाज सुनी नहीं हमने कटर मशीन की। मतलब आप कह रहे कि घर के अंदर उस औरत की लाश को काटा? ये औरत यहाँ आई थी क्या इनके घर? अब उनके घर में कौन कौन रहता है ये तो नहीं पता। हाँ एक बच्चा था राहुल। हाँ वही, वो बेचारा सबको पूछता रहता है, मेरी मम्मी को देखा क्या, मेरी मम्मी कहाँ है। 2-3 बार वो बच्चा मेरे पास आया था, मैंने फोन भी लगाया था, लेकिन जो नंबर उसने दिया था वो बंद आ रहा था। और ये औरत जिसका नाम आप विद्या बता रहे हैं, इसको तो मैंने कभी नहीं देखा। बेटा राहुल, आपके पापा आ रहे हैं आपको घर ले जाने के लिए। मम्मी भी आ रही है? नहीं। मेरी मम्मी कहाँ है? बेटा राहुल, आपने अपनी मम्मी को लास्ट टाइम कब देखा था और कहाँ देखा था? हम उनको पकड़कर सोए थे। फिर जब सुबह उठे तो मम्मी वहां नहीं थी। पूरे घर में देखा लेकिन वहां भी नहीं थी। मम्मी, आंटी हमारी मम्मी कहाँ गई? पता नहीं, कल रात को कहीं चली गई। कहाँ गई? अंकल मेरी मम्मी कहाँ है? अब बेटा तुम्हारी मम्मी गांव गई है, 2-4 दिन में आ जाएगी। ठीक है, जाओ जाके खेल। बेटा हमने काफी कॉल किया पर तुम्हारी मम्मी ने फोन बंद करके रखा है। पर वो हमको साथ लेकर क्यों नहीं गई मोहन भैया? ये तो तुम्हारी मम्मी से ही पूछना पड़ेगा। हम कुछ देर बाद फिर से ट्राई करते हैं, अगर हमारी उनसे बात होती है तो हम पूछेंगे जरूर कि राहुल को क्यों नहीं लेके गई। सब बोल रहे थे 3-4 दिन लेकिन मम्मी तब भी नहीं आई। फोन भी करवाया मम्मी के नंबर पे लेकिन मम्मी का फोन बंद आ रहा था। वो कमल को बोल कर गई या मोहन को, ये हमें नहीं पता। और जब कमल ने कहा कि विद्या गांव लौटी है, हम क्यों नहीं मानते? वो उसी के साथ आई थी, उसके करीब थी। कमल के करीब सिर्फ विद्या तो नहीं थी, गांव में खबर है कि आपकी पत्नी रोहिणी भी कमल के करीब थी। रही होगी, उसने तो हमें कभी कुछ बताया नहीं ना, गांव वालों से हमने कभी कुछ सुना। और जो कटिंग मशीन और खून के कपड़े आपके घर से मिले उसका क्या? कमल ने रखे होंगे। अच्छा, लेकिन जिस रद्दी की दुकान से वो बोरियां खरीदी गई जिसमें लाश के टुकड़े पैक करे गए, उस दुकान वाले का कहना है कि वो बोरियां मोहन ने खरीदी थी, आपके बेटे मोहन। हाँ, ये सलीका का ही बंदा था जिसने 200 रुपये में बोरियां खरीदी थी। हम दोनों का मिलाकर 200 देने के लिए तैयार है। 200? हाँ 200। अगर इतना ठोस सबूत है तो धर लीजिए ना मोहन को, हमको क्यों परेशान कर रहे हैं? मोहन हमसे थोड़े पूछ के करता है कुछ।
और कोई भी हमसे कहां पूछ के करता है? हो सकता है कमल ने करवाया उससे ये सब। हाँ तो था हमारा कमल पाठक के साथ कुछ, इससे क्या है आपको? कुछ किया है क्या कमल पाठक ने या मोहन ने जिसका हमको नहीं पता है? रोहिणी ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। विद्या वर्मा के कत्ल से जुड़े हुए सबूत मिले तुम्हारे घर से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस किसी ने भी कत्ल किया हो उसका तुम्हें और तुम्हारे पति राजेंद्र को पता ना हो। कैसे पता होगा? आप कमल और मोहन को ढूंढ रहे हैं ना, तो फिर उनको पकड़कर पूछताछ कर लीजिए आप, हमारा दिमाग काहे खा रहे हैं। तुम तुम्हारे पति राजेंद्र और कमल पाठक के साथ पुणे आती हो 8 महीने पहले तुम्हारे बेटे मोहन के साथ रहने के लिए। तुम्हारा रिश्ता चलता रहता है कमल पाठक के साथ तुम्हारे पति राजेंद्र और बेटे मोहन के सामने। उसके बाद विद्या वर्मा आती है, फिर भी तुम्हारा कमल पाठक के साथ रिश्ता बना रहता है जिसका विद्या वर्मा के साथ अफेयर चल रहा है। क्या विद्या वर्मा के कत्ल के पीछे ये एक त्रिकोण है? आपको जो समझना है, जो बोलना है, जैसे बोलना है, आपने लगे रहिए। हम तो बस इतना कहेंगे कि हमको कुछ नहीं मालूम है। बस इतना मालूम है कि एक रात विद्या अचानक से चली गई। हमने कमल से पूछा तो कमल ने कहा कि गांव गई है, हमने मान लिया। फिर मोहन भी कहीं चला गया और उसके बाद खुद कमल, किसी ने कुछ नहीं कहा। तीनों का मोबाइल फोन भी बंद है और आप हमें यहां उठाकर ले आए। रोहिणी से सच निकलवाना आसान नहीं था। सभी कोशिशों के बावजूद वो गोल गोल बातें किए जा रही थी। रोहिणी का पति राजेंद्र त्रिवेदी भी चुप हो गया था। उसकी उम्र का लिहाज करते हुए हम उस पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाल पाए। राहुल को उसकी मां के मर्डर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे घर में इलेक्ट्रिक कटर मशीन का इस्तेमाल होने के बारे में भनक तक नहीं थी। बच्चे के लिए अपनी मां के साथ हुए हादसे को कबूल करना मुश्किल साबित हुआ। मोहन त्रिवेदी और कमल पाठक की पब्लिक में पहचान कराने के लिए हमने उनके गांव से लेकर सारे उत्तर प्रदेश में मीडिया के माध्यम से प्रचार करवाया। रोहिणी विद्या को कमल ने मारा या मोहन ने? हमने एक पैंतरा आजमाया। रोहिणी और राजेंद्र त्रिवेदी की लगातार पूछताछ चालू रखी, उनसे बार बार उनके बयान लिए, फिर वही सवाल बदल बदल कर अलग अलग अंदाज में पूछे, सब इस उम्मीद में कि दोनों थक कर हताश होकर सच बोल देंगे। और आखिर ऐसा ही हुआ। हाँ हाँ भाई हाँ, रोहिणी और विद्या का कमल के साथ चक्कर चल रहा था, सही कह रहे हैं आप। और हाँ, हमारे सामने चल रहा था। तो पूरा सच ही बोल दीजिए ना। रोहिणी, जैसा कि आप जानते हैं कि दिखता भी है कि हमसे बहुत छोटी है, हम जब गांव में थे तभी हमको समझ में आ गया था कि उसका कमल के साथ चक्कर चल रहा है। आगे रोहिणी आगे। विद्या के साथ कमल पाठक तुम्हारे गांव आया, उसके बाद तुम्हारी उससे दोस्ती हुई, प्यार हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद सब कुछ हुआ, सब कुछ हो गया। उसके बाद कमल को किसी के साथ बांट नहीं पाया, इसलिए मोहन को फोन करके कहा कि हम उसके बाबा और कमल तीनों पुणे आएंगे उसके साथ रहने। अब घर छोटा पड़ेगा ना मोहन, तो बड़ा घर किराए पे ले लेना। अब 4 पैसे कमल भी कमाएगा तो घर के किराए में हिस्सा दे देगा, ठीक है? हाँ ठीक है माँ, हम बताते हैं, हम सोचते हैं कुछ। अरे सोचना वोचना क्या है इसमें, अब जितनी जल्दी हो सके तुरंत ही घर ले लो। हम बस 2-3 दिन में आ रहे हैं पुणे रहने के लिए तुम्हारे साथ। क्या 2-3 दिन में? हाँ 2-3 दिन में, समझ जाओ बस। कमल, वो पुणे जाने वाली बात तुम विद्या को बिल्कुल नहीं कहोगे, समझे? नहीं कहेंगे। हमारी कसम खा के कहो। अब बात बात में कसम मत खिलाया करो, एक बार बोल दिया ना हम नहीं कहेंगे, मतलब नहीं कहेंगे। मोहन बेटा देखो हम आ गए। ये ले, जीता रहे। वाह घर तो बड़ा अच्छा है। नमस्ते बाबा। खुश रहो। कैसे हो मोहन? हैं? हम ठीक है। सब कुछ सही चल रहा था, फिर पता नहीं 6 महीने बाद कहां से अचानक विद्या अपने बेटे राहुल के साथ आ गई। पता नहीं उसको कैसे पता चल गया कि हम पुणे में मोहन के यहाँ हैं। तुमको क्या लगा हमको कुछ पता नहीं चलेगा? दरअसल हम तुम्हें बताने वाले थे कि हम यहाँ जो है, जो कुछ भी हुआ जुर्म है, तुम जानते हो जुर्म है।
किसी भी औरत का इस्तेमाल करना, उसके पेट में बच्चा छोड़कर गायब हो जाना बहुत बड़ा जुर्म है कमल। ये बच्चा मेरा है? ये तुम पूछ रहे हो? किसके लिए हम अपने पति और बच्चे को छोड़कर तुम्हारे साथ भाग आए थे कमल, और तुम वहां हमें छोड़कर इस रोहिणी के साथ भाग आए हो? हाँ, गांव में तूने कमल के साथ चक्कर चलाया ये बात हमें मालूम थी। हमने सोचा ठीक है, हम उसे बांटने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन तू तो इतनी लालची निकली कि कमल को लेके तू पुनः भाग आई। ना तो हम यहाँ कमल के साथ भाग कर आए हैं और ना हमने कमल को भगाया है, वो खुद अपने आप अपनी मर्जी से हमारे साथ यहाँ तक आया है तुमको छोड़ के, समझी? वैसे ही ना जैसे वो अपनी बीवी को छोड़कर हमारे साथ आया था। और कमल क्या चीज है हम उसे अच्छे से जानते हैं, और तुम्हें भी हम स्कूल के टाइम से जानते हैं। रोहिणी, विद्या और कमल, इन तीनों के बीच क्या चल रहा था, क्या पकड़ा था, हमें नहीं पता। हम तो बस उस घर में रह रहे थे, उम्र हो गई है, पत्नी का सहारा छोड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हमने आंखें बंद कर ली। हमें पता है रोहिणी हमसे इतने साल छोटी है, हम उसे पति का सुख नहीं दे पा रहे थे। विद्या का मर्डर घर के अंदर हुआ आपके सामने, विद्या के बेटे राहुल को कुछ कैसे पता नहीं चला? ये मशीन की आवाज बाहर तक क्यों नहीं पहुंची? क्या विद्या को बाहर ले जाकर मारा? विद्या को मारा जाने वाला है, क्यों मारा जाने वाला है, हमको किसी ने कुछ नहीं बताया। तो बस आप गूंगे बनकर सब कुछ देखते रहे? हाँ, सिर्फ गूंगा नहीं, अंधा और बहरा भी, जैसे कि हमेशा उस घर में रहता रहा हूं। तो विद्या एक नंबर की बच्चलन औरत थी, कह रही थी कि जो बच्चा उसके पेट में था वो कमल का था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है बिना सबूत? हो सकता है ना कि जो बच्चा उसके पेट में था वो किसी और का हो, और भी तो आशिक हो सकते हैं उसके। बच्चा कमल का है ये कह के उससे पैसे ऐंठ रही थी। अरे हम तो क्या, कमल भी उससे इतना परेशान था। क्या बात है, कहाँ ले जा रही है तू? सारे महीने भर की तनख्वाह जो है तुम उसके हाथ में थमा दोगे क्यों? तुम्हें भी देते हैं और उसको भी देते हैं। हाँ, लेकिन ज्यादा उसको देते हो। पेट से है वो, खर्चे ज्यादा है उसके, और हमने नहीं बुलाया चला के उसे, खुद आई है वो यहाँ पे। हमने तो कहा था चले जाए यहाँ से, मगर नहीं। और वैसे भी ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे बेटे मोहन का है, अरे निकाल के फेंक दो उसे। निकालना नहीं चाहते हम उसको। तो कहा चाहती हो फिर? जान से मारना चाहते हैं। पगला गई होगा तुम, जानती हो क्या कर रही हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, जान से मार देंगे तो बलट टलेगी। हम अभी मोहन को बुलाकर लाते हैं, हमारी मदद करेगा। तुम जाकर विद्या को यहां ले आओ, ज्यादा सोचो मत, जाओ। अरे जाओ, मोहन सुन रहा? क्या हुआ मां? उठ, हमको काम है तेरे से। इस वक्त क्या काम है? विद्या को खत्म करना, यही सही वक्त है। विद्या, विद्या, एक मिनट, बाहर आओ। चलो भाई। चल रहा है इसका, बेहोश हुई है अभी। तो फिर सांस रोक दो,
हमने सिर्फ रसोई से आती आवाजें सुनी, बस उसके बाद हमें पता चला कि क्या हुआ है। यह सब कुछ 4 सितंबर को हुआ, तो 5 सितंबर को विद्या की लाश पूरा दिन घर के अंदर रही। उन्होंने उसे मार तो डाला था, लेकिन उसके बाद क्या करना है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने लाश को खाट के नीचे चादर से ढककर रखा। राहुल से बोला कि उसकी माँ गाँव गई। और क्या बोलते? ये बोलते कि उसकी माँ को मार दिया हमने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने प्लान बनाया लाश को ठिकाने लगाने का। अगर लाश को सिंगल पीस में फेंका पकड़े जाएंगे। कब तक ऐसे तख्त के नीचे रखेंगे लाश को? सड़े की बदबू आएगी भयंकर। अब से राहुल मां मां किए जा रहा है। अभी तो कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है ना हमको रात को ही करना होगा। रात तक इंतजार नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि लाश के टुकड़े करते हैं और उसको भर के अलग अलग जगह फेंक देते हैं। वहाँ एक काम कर, वो कटर होता है ना स्टोन कटर, वो लेके आ। और हाँ सुन, साथ में बोरे भी लेके आना और पॉलीथीन की थैलियाँ लेके आना, उसमें भर के फेंक देंगे। जा। मोहन भैया मम्मी कहाँ है? आ जाएगी बेटा, इतना सोचो नहीं, जल्दी आ जाएगी। हमने राहुल को रात को सुलाया और फिर विद्या की लाश को ले जाकर बाथरूम में काट दिया। कैसे काटा? राहुल आवाज से उठा नहीं, पूछा नहीं क्या हो रहा है? नहीं पूछा, उठा नहीं वो। दोनों जन जाके कपड़े बदल लो। हम नहीं जाएंगे इसको फेंकने के लिए। तो क्या इसको गले लगा कर बैठोगे? काम किया है तो खत्म करो ना। अरे घिनाता है साला, उल्टी हो रहा है हमका। तुम्हारे कहने पे हमने काम किया ना ये सब कुछ, अब तुम दोनों माँ बेटे जाओ। कह दिया भाई, ये सब सुबह के पहले करना होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर अपनी एक जीन्स पैंट और वो बस्ता होता है पीछे लगाते हैं हमको दे दो, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। जाओ ले आओ जाकर। ये सही जगह नहीं लग रही है, किसी कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। बिल्कुल सही जगह, जल्दी से ये वाली बोरी भी यहाँ फेंक और निकल चल यहाँ से। चल यानी जब हमने अखबारों में खबर छपवाई तो कमल और मोहन यहीं थे। हाँ कुछ दिनों तक थे, उसके बाद मोहन निकल गया क्योंकि उसका यहां दिमाग खराब हो रहा था। वो राहुल बार बार पूछता था मां के लिए, फिर उसके अगले दिन कमल भी निकल गया। हम सच कह रहे हैं, कमल हमको नहीं बताकर गया कि वो कहां गया है। मोहन कहां है? बाइक लेकर गया? पता नहीं लेकर गया हो तो कहीं छुपाई होगी। और वो कहां छुपाई है? देखो रोहिणी, अगर इतने सारे सच हम तुमसे उगलवा पाए हैं ना, तो बाकी सारे सच भी हम तुम्हारे हलक में उंगली डाल के निकाल सकते हैं।
बोलो। देखिए आप लोग अगर चाहते हैं तो हम आपको मोहन का पता बता सकते हैं, लेकिन कमल कहाँ है ये हम नहीं जानते, और उसका फोन भी बंद है। कहाँ है मोहन? मोहन एक लॉज से भागकर दूसरे लॉज में छुप रहा था। अलग अलग नंबर से अपनी मां रोहिणी के टच में था। हमने आखिर में उसे पकड़ लिया उत्तर प्रदेश से। क्या हुआ था चार की रात? हम सो रहे थे सर। मोहन की पूछताछ के दौरान उसने वही सारी बातें दोहराई जो उसकी मां रोहिणी ने हमें बताई थी। वो तुम्हारी नानी? नानी। चाइल्ड केयर कमेटी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद राहुल विद्या का बेटा विद्या के माता पिता को सौंप दिया गया। वो गहरे सदमे में थे ये जानकर कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। कमल पाठक के गांव धेमू में एक कांस्टेबल तैनात कर दिया सर्विलेंस के लिए, पर कमल अभी तक वहां नहीं दिखा है। यूपी पुलिस से कहकर कमल पाठक के लिए लुकआउट नोटिस जारी करवाओ। पूरे यूपी स्टेट के सभी थानों में ये नोटिस जाना चाहिए। हमारे केस में बस एक वही बचा है जिसकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। ठीक है, मैं यूपी पुलिस में अर्जी भेज देता हूँ। कमल पाठक अभी हाथ नहीं लगा है। हमारा रडार उसके लिए लगातार ऑन है और तब तक ऑन ही रहेगा जब तक वो हमारे हाथ नहीं आता। हमें यकीन है कि हम बहुत जल्द कमल पाठक को गिरफ्तार कर लेंगे। विक्टिम विद्या का डीएनए सैंपल और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का डीएनए सैंपल हमने प्रिजर्व किया है, और जैसे ही कमल पाठक की गिरफ्तारी होगी डीएनए मैचिंग करवाई जाएगी, ये जानने के लिए कि विद्या के गर्भ में पल रहा बच्चा कमल पाठक का था या नहीं। ये एक टफ केस था। हम बहुत बार अंधी गली में घुसे और हाथ पैर मारते हुए बाहर निकले, लेकिन हम अपने काम पर लगे रहे। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है जो लोगों को इस हद तक गुस्सा दिलाता है कि आदमी सही और गलत के फासले को भुलाकर इस हद तक गिर जाता है। हमारा काम साफ है, बार बार ये साबित करना कि जुर्म करके कोई बच नहीं सकता। क्राइम नेवर पेज। जुर्म से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।